Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is to how to care birds in summer season. So let's get started. Friends, ये रहा हमारा केज. इसमें मैंने टोटल 5 birds रखी हुई हैं. तो इसमें स्ट्रॉबेरी फिंच है और इसमें 3 बंगाली फिंच है. तो सबसे पहले आपको केयर का टिप्स बताने के पहले सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसमें जो केज में जो सबसे नेसेसरी चीज़ है, जैसे इसका ये पानी का हो गया और ये जिसमें खाना खाती है, और एक इसका प्लेस हो गया जिसमें ये आके बैठ सके, और एक स्ट्रिक जरूर होना चाहिए. स्ट्रिक इसमें ये आके अपना बैठती है या रात में इसको अगर मत कर दिए, ये स्लीपिंग टाइम भी इसके ऊपर ज़्यादा बताती है. चलिए मैं फर्स्ट आपको बताता हूँ केयर के बारे में समर सीजन. तो आप क्या करो कि अगर आप बाहर भी रखे हुए हो जिसमें सनलाइट आ रही है, तो इसको सनलाइट तो एकदम जरूरी है, पर डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए हानिकारक है. तो एक काम कर सकते हैं आप, इसको कोई भी जगह रखें आप जहाँ पे सनलाइट आ रही है. एक यहाँ पे जहाँ पे ये हमेशा बैठती है, आप उसको वॉच कीजिए जहाँ पे हमेशा ये बैठती है. जैसे ये मेरी बर्ड है, ये हमेशा इस स्टिक पे बैठती है. इधर सिर्फ खाने पीने के लिए आती है. तो इधर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको धूप में रखता हूँ तो इधर मैं एक क्लॉथ से इसको कवर कर देता हूँ, इसमें ये शेड बन जाता है. शेड से कारण क्या होता है, इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है और इधर सनलाइट आती है, वो भी कोई बात दिक्कत नहीं है. सेकेंड चीज़ क्या हो गया कि इसका जो वाटर है एकदम क्लीन होना चाहिए, क्योंकि गर्मी के टाइम में जो ज़्यादातर बंगाली फिश होती है ये रोज़ दिन बात करती है, ये रोज़ दिन इनको नहाना पसंद है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और पटना की गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए ये नहाती है रोज़ दिन. इसलिए आप एक ऐसा रखें पानी का जो आपका पॉट है, ऐसा रखें जिसमें आसानी से डूब सके और नहा सके उसे. और फिर देखिए तीसरा बात कि जो इसका खाने का ये जो बर्तन है ये एकदम अकेला ना दे, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है केज में कि जो फूड और वाटर है दोनों एक ही चीज़ में रहता है, ये डिविडन रहता है डिवाइजर, वो दोनों के बीच में दोनों एक ही रहता है. अभी मैं इसे फूड देता हूँ, आप देखिएगा मैं इसे फूड दे रहा हूँ, ये सब तुरंत आ जाए. ये देखिए देखा आपने. अब फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो थर्ड थिंग है वो है कि फीड इसका. आप जो इसे खिला जो रेगुलर फीड है इसका वो आपको खिलाते रहें. फीड में बहुत सारे फिंच होते हैं कि बॉइल्ड राइस खाते हैं, लेकिन ये सब जो फिंच है बहुत सारे फिंच का तो बहुत सारा वैरायटी है और सब दुख का अलग अलग खाना है. तो मैं आपको बता दूँ मैं इसे खिलाता हूँ चीना सिक्स. ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आता है, ये आप देख सकिएगा. ये इसी को हम लोग कहते हैं चीना सिक्स, जो कि आपको मार्केट में इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा. और इसका रेट है 70 rupees पर केजी. और इन्हीं सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है गर्मी के सीजन में, समर सीजन में. फीड, वाटर, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए, शेड आपको दे देना जहाँ पे वो बैठे, क्योंकि अगर उसे हीट अगर महसूस होता है, फील होता है, तो वो अपने शेड में आके बैठ जाएंगे. बस इन्हीं तीनों चीज़ का आपको ध्यान रखना है. वाटर हमेशा क्लीन होना चाहिए, फीड हमेशा आप रेगुलर देते हैं तो एक टाइम देते हैं, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको दो टाइम दें. और इसे गर्मी के टाइम में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अगर गर्मी है तो आप इसे अपने बेडरूम में ला सकते हैं, यहाँ पे अगर फैन वैन चल रहा है तो वहाँ पर रख सकते हैं. फ्रेंड्स बर्ड्स बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं के क्लाइमेट के अनुसार रखना. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना, ताकि मेरे जितने भी आगे अपलोड मैं वीडियो करूँगा आपको जल्द से जल्द मिल सके. थैंक यू फ्रेंड्स.